रहीम, आप सब सही खैरियत है? माशाल्लाह ठीक हो। आ गया हूँ मैं कराची आपको शौक दिखाने के लिए। इसके लिए देखो, शौक तो नचाता है डगर डगर, तो हमारा शौक हमको वापस कराची ले गया है। मैंने चलो कराची का शौक देखा। दो बच्चे लिए थे आज से 4-5 दिन पहले, बच्चे आए थे तो दो बच्चे खरीदे। एक लाल नुकरा लिया है, एक ब्राह्मण में लिया, वो दोनों आपको दिखाते हैं। उसका शौक करना, थोड़ी वीडियो लेट हो गई है, इसके मौसम अजीब गरीब हो रहा है इधर, तो मैंने बोला चलें जो भी है आपको थोड़ा बहुत शौक मौक दिखा दें। तो अब शौक देखो माशाल्लाह, बोलो छोटे छोटे बच्चे लिए, 6-6, 7-7 मुश्किल से 5-6 महीने के बच्चे होंगे, और उसको इंशाल्लाह तैयार करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये टाइम से दिखाते जाएंगे, 2-2, 5-5 महीने के बाद जब चीज़ दिखाएंगे आप, बिफोर आपको लिखना है तो आपको रख लो अपने पिक्चर में, ये वीडियो ही बिफोर की। आफ्टर में जब हो जाएगा, आफ्टर का टाइम आएगा तो मैं आफ्टर दिखाऊंगा आपको, अभी तो बिफोर है। तो दो बच्चे आपको दिखाते हैं, आप करते कंटिन्यू। ये है लाल उखरा, पैर भी लाल, होंठ भी लाल, बिल्कुल लाल उखरा। मैं लाल उखरे का बड़ा शौक था, मैंने थोड़ा पीछे कर आगे कर बोला इसको, अभी से मासूम से 4-5 महीने जो है मुश्किल से, बाकी जालिम ने हमको गाय नहीं दी, इसकी माँ नहीं दी, ये दे दिया। अब इसको दूध मूध पिलाएंगे इंशाल्लाह और उसको सेट करेंगे। ये 5 दिन हुए इसका पेट साफ करवाया है, ये देखिए अभी मासूम सा है, बिल्कुल मासूम सा चेहरा है देखो उसके साथ, मासूम बिल्कुल मासूम चेहरा, बिल्कुल मासूम चेहरा है। नहीं बेटा, और ये चेहरा एक दिन पहाड़ बना होगा, पहाड़ इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से। छोटा सा बच्चा है ये, इंशाल्लाह जब तैयार होगा तो अपना खेल कूद दिखाएगा ये। क्या तैयार हो तब तक मिल गई है, सलाम वाला भी मिल गई है, बच्चा है छोटा सा बच्चा है। अब मैं इसको रस्सी डालता हूँ और ये जाएगा यहाँ से। चलो जाओ 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 जाओ, देखो बिल्कुल सुस्त मलंग रही है, बिल्कुल ढीला बछड़ा, ढीला सुस्त है। और एक ये हीरो, ये हीरो है, वो थोड़ा कमज़ोर है, ये है तगड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखो कैसे कान खड़े करते हैं, ये है ब्राह्मण में, माशाल्लाह माशाल्लाह, जोड़ मोड़ सब जैसे माशाल्लाह। ये भी है माशाल्लाह, बच्ची भरपूर बछड़ा है, डालर मालर आप सब चेक करें माशाल्लाह। ये डिलीवरी देखो उसकी माशाल्लाह, अभी तो ये तैयार होगा नहीं, और ये जब बनेगा तो पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा इंशाल्लाह। ये आप बिफोर ले लो उसकी, बाप जब बोलोगे बिफोर मिला नहीं, अभी आज बिफोर है, उसके बाद आफ्टर जब आएगा जब देखेंगे, आफ्टर इसको बोलते हैं। जब तैयार होगा इंशाल्लाह आप दिखाएंगे आपको इसको, रमज़ानों के बाद, रमज़ान के बाद शौक दिखाएंगे तो अच्छी तरह से पल पला के निकले ना बाहर। तो ये भी एक छोटा सा शौक खराब है देखा माशाल्लाह, छोटा सा ये भी शौक है। तो आपको ये बच्चे दिखाने का मतलब ये है, तो बच्चा देखो बस भरपूर बच्चा है, और यह मस्तीखोर बच्चा ही है। चले करते कंटिन्यू। शौक देखा, अब आपको शौक दिखाने का मकसद ये था, ये कि छोटे माल का भी शौक खराब है। मैं इतने महंगे महंगे लोन लेना भी नहीं है, रिजनेबल लो, इस पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बछड़े जो आज आपको नज़र आए, ये वक्त आएगा इसके 2 साल का, जब पल के निकलेंगे तो ये चीज़ बन के निकलेगी चीज़। अभी कुछ माल का कर रहे हैं इंशाल्लाह, कुछ जाने का तो है, थोड़ा मौसम भी इधर तो कराची का माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया। हम बोले थोड़ा ये निकल जाए ना, कि ये थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है, तो वेदर में निकल जाए थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो उसके बाद हम आपको अच्छा शौक दिखाएंगे। अरे जाओ उसको पकड़ो, देखे ना ये पाम का भी है इरादा है, दूसरा पाम लेने का भी इरादा है, बाकी टाइम मौसम थोड़ा मामला हैं, कारोबारी मामला भी हैं, वो भी देखने हैं, और थोड़ी कमर ममर की तकलीफ है, थोड़ा ट्रीटमेंट चालू है। और अब किनिया जा रहा था मैं, आपको बोला चलो शौक दिखाऊंगा किनिया का, बाकी किनिया के अंदर चल रही थी हड़ताल, तो वहाँ भी यही हड़ताल थी महंगाइयों के ऊपर, यही है, तो उधर भी झगड़े चल रहे थे, तो हम तो गए नहीं एयरपोर्ट के बाहर, निकले इतना एयरपोर्ट पर बैठना पड़ गया कुछ 10-12 घंटे, फिर उसके बाद दुबई दुबई कराची आ गए। तो फिर वो बोलते हैं ना, शौक नचाता है डगर डगर, और जगह नचाता है, जो शौक लेके आ गया वापस अपनी जगह पर। माशाल्लाह माल माल इधर पड़ा हुआ अपने पास, हर चीज़ अपने बदर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको टाइम टू टाइम दिखाएंगे, मालिक से लेंगे परमिशन लेते जाएंगे, आप एक एक करके दिखाएंगे, जो जो माल के लिए मालिक हमको देगा परमिशन वो मिलेगा। तो चलो चाय आपको पीने तो आ जाओ फॉर्म पर, बाकी आना तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चीज़ें तो पड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जब माल अभी थोड़ा टाइम बाकी है,
हमारा। उसके बाद मक्खन बंद करेंगे, मक्खन बंद करने के बाद हमने सोचा कि 2-3 दिन इसको रेस्ट देकर उसके बाद तो फिर कंटिन्यू दूध चलना स्टार्ट हो जाएगा, दूध भी चलेगा, वनडे में तेल भी चलेगा, हर चीज़ उसको एक भरपूर देंगे तो वेदर भी अच्छा हो जाएगा। फिर माल पे पूरा जोर लगाएंगे और इसको कांटा करवाना है 2-3 माल को। हम 3 माल पे होप कर रहे हैं कि 3 माल को हम कांटा करें और भरपूर कांटा, जैसे यहाँ से ट्रक में डाला माजदा में इसको लेके गए, एक एक माल का कांटा कराया, फिर इसके अंदर बुक में लिख लिया। इसके मेरे को भी शौक होना शुरू हुआ है कि मैं भी मुकाबला करूँ पंजाब में जाकर, पंजाब में वजन का मुकाबला करें और जीतें। तो यहाँ से कराची जाएंगे तो आप लोग भी हमारे साथ होंगे, आप लोग की सपोर्ट भी होगी, तो इंशाल्लाह हम वहाँ से विन करके आएंगे कराची वापस लेकर और भरपूर माल पालेंगे। ऐसा माल एक माल पालेंगे तो देखने वाले देखेगा हाँ यार कुछ चीज़ पाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सोच के बैठे हैं, कुछ माल पे इतना होप है हमारा कि क्या माल माल जब पल के निकलेगा ना आपको बस पता चलेगा हाँ क्या क्या पला माल। माल इंशाल्लाह पलता जाएगा, आपको दिखाते जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ आपको दिखाएंगे, आपका भी दिल खुश होगा। इंशाल्लाह पंजाब का जाने का जल्दी सुन इज पॉसिबल है कि हम जाएंगे पंजाब। बाकी दूसरी बात, अब पिछले साल आपने देखा था पूरा साल बंदा मेहनत करता है, उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होता, फिर ले जाता है टेंट पर, फिर देखे VVIP में कोई माल खरीदा नहीं किसान, सारे पीछे भागे पंजाब में, पंजाब के पास लेने के लिए, पंजाब ब्लॉक में, KP के ब्लॉक में, सब ऐसे जा रहे थे। तो वहाँ KP के ब्लॉक में एक बछड़ा बिका, जो बछड़े को 30 लाख में को देने लेने के तैयार नहीं था, वो 69 लाख रुपये का बिक गया भाई, वो तो देखे बांट रहा है। ये हमारे कराची वाली की साइकोलॉजी है। फिर रहने की थे एक बछड़ा 35 लाख रुपये का बेच रहा है, वो नहीं बिक रहा, 55 लाख रुपये का बिक गया। एक एक बछड़ा था उसने उसकी साइकोलॉजी से दिमाग उसका लिया, उससे बोला 37.5 लाख का बछड़ा है। फिर 2 मिनट के बाद बोलते मेरे को नहीं बेचे, बोला आपके मुंह मांगे तो दे लो, 37.5 मांगे 37.5 ले लो, वो दबाई मेरे को देना नहीं है। अब ऐसी से तो हमारे कराची वालों का दिमाग है, तो उनका दिमाग खराब होगा और हमारे माल पे आएंगे तो कीड़े निकालेंगे, हमें चाहिए आप हमसे मांगेंगे मुफ्त के रेट में, उनको जैसे तैसे पैसे भर के आते हैं, अल्लाह इनको अक्कल समझ दे। अब बहुत सारे ऐसे देखे हमने फार्म, इतना भरपूर माल लेते फिर एंड ऑफ द टाइम नुकसान करो, तो ये कौन सा शौक है जिसमें आदमी नुकसान ही करा। शौक करो ठीक है, आपने अगर एक बात है चीज़ आपने 25 लाख की पाल ली है और इतनी भरपूर उसकी वर तकती है 25 लाख की, तो 25 लाख में भी बिकता है परवाह नहीं, आपका शौक हो गया। काम तो है नहीं, मैं तो काम मानता ही नहीं उसको, आपका काम जो आपका कारोबार है वो आपका जीनियन काम है। तो अल्लाह पाक हर का शौक पूरा रखे भाई, शौक करो आप अपनी जात तक करो, ये बेचने वाला ट्रेडिंग वाला ये सिलसिला बंद कर दो, ये बेकार है, आप लोगों को नुकसान होगा इसका। अब चार 5-5, 3-3 माल भरवा लेते हो तो एंड में बोलते यार हमें बेचना है, हमें ज़रूरत है, हमें बेचना है, वीडियो करो बेचो। आप पलाई वाला माल कभी नहीं बेच सकते भाई, आप कहाँ से पलवाओगे, 30-35 हज़ार को माल नहीं पलता, वो तो खाली ऐसे ही है आपने शौक करा टाइम पास करा अपना, तो टाइम पास में माल नहीं पलता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पलती, सब्र करें कंटिन्यू करते हैं। तो यार ऐसी ऐसी है भाई, साढ़े देखो आप 35 हज़ार में पलवाओगे तो 35 हज़ार वाला पालेगा क्या, उसने तो अपना कारोबार करना, उससे तो खाली बातें करनी है बड़ी बड़ी, मैं यूँ कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, 35 हज़ार वाला पाल नहीं सकता मैं ना, वो अपना ना दूध पिला सकता है ना ऐसी चीज़ें कर सकता है, उसको पता है कैसे नहीं। यार एक मरे से मरा एक बछड़ा है या बछड़ी है, 4 से 5 किलो तो खाएगी, मरे से मरा 5 किलो तो खाएगा ना दाना। अब 5 किलो का दाना अगर 100 रुपये के अभी हिसाब से करते हो तो सीधा 500 तो उसे हो जाता, फिर फार्म का किराया, पानी, क्या बोलते उसको, कुत्तर, चूड़ी, दवायाँ, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देनी पड़ती हैं। तो एंड ऑफ द टाइम तो हासिल उसको, तो उसने तो कौन सा आपको है ना, आपने बोलना है यार गोला नहीं उतर रहा, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई कुछ नहीं होता। और एक साल में बछड़ा नसीब से पल जाता है, कुछ पल गया नॉर्मल बन गया ठीक है, आपने अपना शौक पूरा कर लिया। बाकी पलता माल 2 साल में, जो उसको आपको हजूम वाला माल चाहिए, जिसको सीना गोलाया चौड़ाया हो, वो बनता ही 2 साल में। साल में तो माल अपने आप को इधर आता है, कोई कोई माल होता है जो बहुत ऊपर आ जाता है, बहुत फास्ट आ जाता है ऊपर, तो साल के अंदर जाता पलट जाता है पूरा, कोई कोई नहीं जल्दी पलटता, टाइम लेता है, तो हर चीज़ अपनी टाइम देती है, टाइम पीरियड है। तो चीज़ पालो तो अच्छी पालो और अपनी जात के लिए पालो।
मैं बोलता हूँ अपनी जात के लिए पालोगे इसका फायदा बहुत होगा, बाकी बेकार का नुकसान है। आपने बेचने की नीयत से तो रो ही नहीं कि चार माल ले लूँगा फिर वीडियो कर दूंगा, वीडियो में बिक जाएगा माल, वीडियो में कहाँ बिकता है भाई माल, हमने तो नहीं देखा आज तक किसका बिका है, खाली सब बोलते बेचा किससे बातें हैं, खाली बिकेगा नसीब बिकेगा, आपके अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिखा है तो वह माल बिकता है। हमने तो ये सोच लिया ये लिमिटेड शॉप करो उसके अंदर फ़ायदा बहुत है, आपके पास लिमिटेड शॉप होगा आपकी चीज़ पलेगी भरपूर बनेगी, पालो और घर पे ले जाओ और मिस्कुल अल्लाह अकबर करो उसको कुर्बान करो, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे। ये चार चार पाँच पाँच छः छः माल ले करके इसको देना ये अक्लबंदी का सबूत नहीं है। हाँ पाँच माल करते हो अल्लाह ने आपको दिया भाई करो, बाकी नीयत रखो कुर्बानी की बेचने की नहीं। तो आज एक दो बच्चों को आपको शौक भी दिखाया मैंने, मैं चलो आप शौक भी देखो तो कुछ अवेयरनेस दे रहा हूँ आप लोग को, समझ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी वीडियो करते जाएंगे आपको अपना शौक दिखाते रहेंगे, नए 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 मंजन बेचते रहेंगे। अब हमारे मंजन देखते रहे ना वो खुश होते रहे, जिसको उल्टा बोलना होगा वो वीडियो में बक बक करेगा, जिसको सीरियस लेना वो सीरियस लेगा, जिसको जैसे चलना है ऐसे चलते रहो। हम आपका शौक दिखाते रहेंगे, बकरों का भी शौक दिखाएंगे, दुब्बा को भी दिखाएंगे, अपने माल का शौक भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह डे बाय डे आपको कोई ना कोई चीज़ दिखाते रहेंगे। और अभी इंशाल्लाह पंजाब का है इरादा तो वेरी सून हम जा रहे हैं पंजाब, आपको पंजाब में एक से एक शौक दिखाएंगे, जंगल जंगल दिखाएंगे आपको शौक, उनका दिमाग भी दुरुस्त करेंगे। इसको आपको पता है मैं तो सीधी बात करता हूँ उनसे भी भाई, तो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप आएंगे कल नए शौक के साथ, अस्सलाम वालेकुम।